फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक सोमवार को रेड क्रॉस परिषद में आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में आगामी 6 अगस्त को 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविंद्र भवन पटना में आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारी समिति की बैठक में आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनोज ने कहा कि पूरे बिहार में स्थापना दिवस के लगभग 46,000 PDS दुकानदार भाग लेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन शाही के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं पूर्व मंत्री सह सांसद अर्जुन राय, पूर्व मंत्री रमई राम, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री अब्दुल बारिकी सिद्दीकी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, विधायक संजय मुन्ना तिवारी, सम्मानित जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। XCM आपको मदन सहनी जी है मंत्री हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं वो भी आ रहे हैं, हमारे रमई राम साहब आ रहे हैं, इसमें उदय नारायण चौधरी स्पीकर हैं थे पहले वो भी आ रहे हैं, और अर्जुन राम सीतामढ़ी के MP साहब भी आ रहे हैं, और पूरे देश के संगठन, जितना देश का संगठन कार्य कर रहा है मेरे, ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन के भी साथी आ रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कटारिया साहब है, सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग को स्थापना समारोह पर जो पूर्व से लंबित मांग है, लाभ पर भी उसके पास जिसका मृत्यु लाभ हो जाता था उसको 5 लाख रुपये का बीमा था वो भी खत्मे है। इसके बाद डीलर को पूरे, हमको लगता था कि एस्टिमेट था कि कम से कम 50 से 100 क्विंटल के बीच में उसको आवंटन था वो भी खत्म। उसको यूनी आवंटन था 5 लीटर उस समय पर एक कार्डधारी को राशन तेल चलता। कार्यक्रम का उद्देश्य है 37 बरस हम लोग का संगठन का स्थापना ये हो गया, और 37वां वर्षगांठ हम लोग इसलिए मनाने जा रहे हैं कि जितने लास्ट पंक्ति में खड़े जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वह पटना चलकर रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित है। वहां पर पक्ष और विपक्ष, पक्ष के मतलब कि हमारे मदन सहनी जी हैं, माननीय मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उद्घाटन करेंगे, उनका उनसे कुछ हम लोग अपना डिमांड स्थापना दिवस के अवसर पर सुनना चाहते हैं जो पूर्व से लंबित डिमांड है। इसके बाद विपक्ष के भी साथी आ रहे हैं, उसमें जैसे XCM जीतन राम मांझी साहब आ रहे हैं, मजबूत और निवेदन समिति और कई एक समितियों के चेयरमैन हैं, आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब वो भी आ रहे हैं, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हैं, विद्वान हैं वो भी आ रहे हैं। इसके बाद सीतामढ़ी के XCM अर्जुन राय आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक जनता दल के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के हैं। रमई राम जी भी आ रहे हैं, जो कि कई एक स्थापना समारोहों में भाग लेने का उन्होंने काम किया है। इस बात स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी भी आ रहे हैं। कहने का मतलब उद्देश्य है कि जितना सरकार पहले जो व्यवस्था व्यवस्थित की थी जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के हित में, जो इन्होंने कानून बनाया था उसमें साप्ताहिक छुट्टी भी थी, ऐसा नहीं कि एक मजदूर भी होता है जो लगातार 300 दिन खटता है उसको भी ब्रेक दिया जाता है, और जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को किसी दिन ब्रेक नहीं है। सरकार के पास मामला लंबित है, वो मामला से लेकर सरकार को, PDS दुकानदारों को, सरकार को बताना है कि जो 3 स्टेट में सरकारी घोषित किया है PDS दुकानदारों को, और दिल्ली में जो कमीशन बढ़ाया है 1 रुपया के बदले 2 रुपया किया है, फिर बिहार में इस तरह का सौतेलापन व्यवहार क्यों? फिर यहाँ के फूड मिनिस्टर भारत सरकार के आदरणीय रामविलास पासवान साहब हैं, उन्हें सिर्फ घोषणा किया है। मैं तो इन सबको मुबारकबाद दे दूं कि जिस दिन PDS दुकानदारों को आप देश के पैमाने पर बिहार के लोगों को, और ख़ासकर मैं देश के लोगों को, PDS के दुकानदारों को बिहार में पहला राज ऐसा स्थापित कर दीजिए जहां पर PDS दुकानदार सरकारी सेवक के रूप में घोषित हो जाए। वो आपके कलम से होना चाहिए। आप यहाँ के जबकि देश के फूड मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला लंबित है, क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस हुंकार को मजबूत करने के लिए पूरे PDS के 45,000 से एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पूरे बिहार के पैमाने पर रविंद्र भवन पहुंच रहे हैं, और अपनी व्यथा पहले से कर चुके हैं सरकार से। सरकार को कई एक बार रिमांड भी दिया गया है, स्मार पत्र भी सौंपा गया है, और देश स्तर पर भी कई एक स्मार पत्र दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई को के मद्देनजर देखते हुए स्थापना दिवस पर संगठन को मजबूत करने की भावना से, और संगठन में जितने PDS के साथी हैं सारे लोगों को एक संदेश देने के लिए
इस स्थापना समारोह पर बुलाया जा रहा है और डिमांड पत्र जो है उस डिमांड पत्र को एक पूरे सदन में पारित करके हम लोग डिमांड पत्र को रखेंगे और माननीय मंत्री या जो भी सम्मानित अतिथि आएंगे उनके सामने रखा जाएगा और उनसे अपना डिमांड किया जाएगा और जनहित को ख्याल में रखते हुए 45,000 से एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बच्चों के भरण पोषण उसके परिवार के भरण पोषण के रूप को सही दिशा में ले जाने के लिए यह स्मारक पत्र स्थापित होगा। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं एज ए अध्यक्ष होने के नाते और बिहार प्रदेश के भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं उसके नाते मैं बता दूं कि चुनाव में भी पीडीएस दुकानदारों का बहुत अहम रोल होता है और हमारे पीडीएस दुकानदार डीलर नहीं है, नेता भी है और वह नेता है।